जोधपुर से नागौर गेट रहता हूँ सर, और मैं भी संजीवनी में एजेंट था, और मेरे परिवार के और पहचान वालों के करीब 3 करोड़ से ऊपर रुपए जमा है उसमें, और अब सब लोगों ने जीना दुश्वार कर रखा है बुरी तरह से। रोज़ाना नई नई धमकियाँ मिलती है, रोज़ाना घर के आगे परेशानी होती है, झंझट होते खड़े होते हैं कि हमें किसी तरह से पैसा दिलाओ, हमने आपके माध्यम से दिया पैसा, तो अब क्या करूँ सर, आप ही सुझाव दें सर। हाँ सर, और मेरे खुद के निजी पैसे भी लगे हुए हैं सर, सारे मेरे 13 लाख लगे हैं सर, बाकी परिवार के और पहचान वालों के और सबके हैं सर, 3 करोड़ है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके अपने राज्य के नागरिक हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम पीड़ितों की करुणामयी पुकार सुनकर हमें कभी आप निराश नहीं करेंगे। हमारा आपसे ये निवेदन है कि जो बड़े डाकू हैं, जिन्होंने 10 लाख शेयर ट्रांसफर किए हैं, 10 रुपए से भी कम भाव के शेयर 10 लाख बेचना उस विक्रम सिंह एंड कंपनी को दिखाया है, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। उन्हें आप किस तरह से, कैसे कानून बनाकर, कैसे एसओजी को निर्देश देकर उन्हें गिरफ्तार करवाएं और उनसे जो सच्चाई है वो उगलवाएं और पीड़ितों का पैसा दिलवाएं। अब जहां कहीं भी बात आती है, मंत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि भैया मेरा माल था, मैंने बेचा, आपको क्या तकलीफ। अरे भैया जी, आपका माल था, 2-4 पीस होते, 10-20 पीस होते तो आप 10 रुपए का माल 1000 में बेचते, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, पर आपने तो लाखों पीस बेच दिए और आपको भी हिंदुस्तान के अंदर एक ही खरीदार मिला। अगर आपका माल इतना ही सोना होता तो वो माल लाइन लगाकर क्यों नहीं बिकता। और रही बात आपकी कंपनी नवप्रभा बिल्डटेक की, जिसकी कीमत आपने कागजों में 4 करोड़ आकी है, वास्तव में वो एक मृत प्राय कंपनी है। आप स्वयं समझ सकते हैं उस कंपनी की शेयर कैपिटल इन्होंने पूरी 4 करोड़ आकी। उस कंपनी के ऊप के पास में एसेट के नाम पे सिर्फ 1.79 लाख 79 लाख रुपीज का एक प्लॉट है, और उसी कंपनी के ऊपर 10 करोड़ की देनदारी है, लोन है। तो जिस कंपनी के ऊपर 10 करोड़ का लोन हो, 79 यानी 80 लाख का प्लॉट हो, उसके शेयर का भाव 10 रुपए, तो क्या 10 पैसे हो तो भी बहुत बड़ी बात है, फिर भी उन्होंने वो 1000 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो ये जो कंपनी थी नवप्रभा बिल्डटेक, वो शुरू से ही गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनकी पत्नी व उनके पार्टनर आदि की थी। अब पैसा कैसे गया? 4 करोड़ रुपए उन्होंने कंपनी की कीमत मांगी, मानी, 25% शेयर विक्रम सिंह एंड कंपनी को ट्रांसफर करना बताया। उस 1 करोड़ रुपए के शेयर के बदले में हम पीड़ित निवेशकों के 110 करोड़ रुपए अपने खाते में कर लिए, 25% हिस्सेदारी चली गई। वर्तमान में नवप्रभा बिल्डटेक कंपनी के अंदर 50.06% की भागीदारी गजेंद्र सिंह जी और उनके परिवार की है, और 49.94% भागीदारी विक्रम सिंह जी की है। बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि दोनों की करीब बराबरी की आधी आधी भागीदारी है। कागजों में ऊपर रखने के लिए गजेंद्र सिंह जी की आज भी ऊपर है। अब जब उसने 25% शेयर होल्डिंग खरीदी कंपनी की 110 करोड़ रुपए देकर, जो सारे ट्रांजैक्शन बैंकों से हुए, चेक से हुए, किस खाते से गए, किस चेक नंबर से गए, सब कुछ उस चार्जशीट के अंदर अंकित है। हमने ये जो भी आरोप लगाए, हम ये जो भी बात कह रहे हैं, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। मैंने स्वयं ने 36,000 पेज की चार्जशीट पूरी चाटी है, एक एक पॉइंट उसमें से पढ़ पढ़ के उसमें से ये पॉइंट निकाले हैं, और उस चार्जशीट की फोटोकॉपी का वो पर्टिकुलर पेज भी साथ लगाया। तो जब 25% भागीदारी लेने के लिए 110 करोड़ रुपए चले गए हम पीड़ित निवेशकों के, तो ये तो समझने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि जो बाकी की 25% भागीदारी आई है, वो भी कहीं कहीं 110 करोड़ किसी न किसी रूप में गए हैं तभी आई है, क्योंकि कंपनी तो बेसिकली गजेंद्र सिंह जी शेखावत और उनके परिवार की थी। आज उसका आधा मालिक अगर विक्रम सिंह एंड कंपनी है तो जरूर 220 करोड़ रुपए गए हैं। ये तो हुई सिर्फ इस एक कंपनी के अंदर भागीदारी की बात।
इसके अलावा भी हमारे मंत्री जी की करीब 10,000 बीघा जमीन इथियोपिया में थी। अब कुल मिला के इस तरह से ये समझा जाए तो मोटे तौर पे हमारा ये अनुमान है कि कम से कम 400-425 करोड़ निवेशकों का पैसा उस पाले में चला गया और ये फुकरिया हो गया बिल्कुल ही। अब ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये इतने तीव्र बुद्धि के थे क्योंकि वो तो एक बस कंडक्टर के बेटे थे, लेकिन जो उनके माई बाप थे जिनका और संजीवनी का चोली दामन का साथ था, वो इतनी कुशाग्र बुद्धि के थे, वो इतने तेज बुद्धि के थे कि उन्होंने ऐसा प्लान रचित किया कि 1100 करोड़ रुपए के फर्जी लोन दिए नहीं, देना दिखाया कागजों में संदिग्ध 1100 करोड़ रुपए के 55,000 फाइलें बनाकर 55,000 लोन दिखाए और जरूरत पड़ने पे वो 55,000 सारी फाइलें पानी में डुबो दी, कागजों के अंदर ही वो लोन हुए, वो 33 पर्टिकुलर ऐसी ब्रांचें खोली गई जो कागजों के अंदर ही थी, कंप्यूटर के अंदर ही 33 संजीवनी की ऐसी ब्रांचेस थी जिनका ज्योग्राफिकल या फिजिकल कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ ये पैसा जो निवेशकों का है, इस निवेशकों के पैसे को कैसे साइड में करें, तो वो 55,000 फाइल बना के 1100 करोड़ रुपए के फर्जी लोन दिखाए। वास्तव में वो लोन किसी को भी एक नया पैसा नहीं मिला, वो सारे लोन इन्होंने नकद में दिखाए, 32%, 36% और 38% ब्याज के साथ दिखाए, कागजों में उनका समय समय पे ब्याज भी अंकन किया ताकि निवेशकों को लगे कि कंपनी बहुत फायदे में चल रही है, कंपनी हमको 14% दे रही है तो क्या खुद तो 36% कमा रही है, जबकि ये सब कुछ कागजों में ही होता गया। और इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि इस तरह से ये जो पैसा इकट्ठा हुआ वो पैसा दूसरे रास्ते से, किसी अन्य रास्ते से सारे मंत्री जी के घर थैले भर भर के रोज पहुंचते रहे और संजीवनी कंगाल हो गई, जांच हुई, फाइलें डुबोनी पड़ी क्योंकि फाइलें तो सारी खाली थी, किसी फाइल किसी फार्म के अंदर एक लाइन लिखी हुई, किसी फार्म के अंदर फोटो किसी का, आधार कार्ड की फोटो किसी की, और वो भी किन लोगों की, बिचारों की जिन्होंने कभी उनसे 2,000-5,000 रुपए की कभी RD करवाई हो, कभी 10-20 हजार की कोई उनसे FD ली हो, लोगों की इंफॉर्मेशन को, डाटा को उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया, किसी को हवा नहीं लगी और इस तरह से उन्होंने घोटाला किया। एक पर्टिकुलर लोन का मुझे वाक्य याद है, एक YL07 लोन था उनका, ईयरली लोन 07 नंबर था। उस लोन के अंदर विनोद कंवर जी ने यह दिखाया कि 10 लाख रुपए का लोन अपनी माता उषा कंवर को दिया, 10 लाख रुपए का लोन अपनी माता उषा कंवर को दिया। SOG ने जब जांच की, अनुसंधान की, तो वो लेजर उषा कंवर की जगह यशोपत सिंह के नाम से पाया गया। यशोपत सिंह विनोद कंवर जी के भाई और विक्रम सिंह जी के साले थे। और तो और 10 लाख की जगह उस लेजर में 50 लाख रुपए का अंकित किया हुआ था। SOG ने और अग्रिम अनुसंधान किया और उस बैंक के खाते को जाकर टटोला जो यशोपत सिंह का था, तो उसी दिन उसी तारीख के अंदर उसके खाते के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा होना पाया गया। ये इतनी स्कीमों से इन्होंने खेल खेला है। तो अब हम तो पीड़ित हैं, आपके सिवा हमारा कोई और सहारा है नहीं, आप हमारे राज्य के मुखिया हैं, हमारे सबके मुखिया हैं, तो हम दौड़ दौड़ के आपके पास आते हैं, उन लोगों के भी पास गए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मेरी 3 पीढ़ी का संजीवनी या संजीवनी के प्रमोटर के परिवार से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। थोड़े दिन बाद फिर वीडियो आया, विक्रम सिंह मेरा छोटा भाई, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, जब यह स्टूडेंट था तब से मैं इसको जानता हूँ, और विक्रम मैं इसको परफेक्शनिस्ट कहता हूँ, शायद हमारे परिवारों की कोई 2-3 पीढ़ी की पुरानी रिश्तेदारी। अरे भाई ये क्या है, जब एक थोड़े दिन पहले आपकी 3 पीढ़ी नहीं जानती थी और थोड़े दिन बाद में आपकी 3 पीढ़ी की रिश्तेदारी हो गई और विक्रम सिंह आपका छोटा भाई भी बन गया, आप उसके बच्चों को गोद में जा जा के सैकड़ों किलोमीटर दूर दून स्कूलों में जाके गोद में खिलाने भी जाते हैं, करते हैं। अरे कहीं न कहीं कोई न कोई पारिवारिक घनिष्ठता है
या व्यापारिक घनिष्ठता है या दोनों ही घनिष्ठता है, तभी तो कोई किसी के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके उनके बच्चों को खिलाता है। आप और हम तो कभी नहीं जा पाते, अपने खुद के बच्चे ढंग से नहीं खिला पाते। तो इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण कोई भी रुख अपनाएं, हम सब आपके साथ हैं। किसी भी तरीके से ये जो बाहर छुट्टे घूम रहे हैं इनको आप अंदर करवाओ और इसका पूरा पर्दाफाश हो। जोधपुर से नागौरी गेट रहता हूँ सर, और मैं भी संजीवनी में एजेंट था, और मेरे परिवार के और पहचान वालों के करीब 3 करोड़ से ऊपर रुपए जमा है उसमें, और अब सब लोगों ने जीना दुश्वार कर रखा है बुरी तरह से। रोजाना नई नई धमकियाँ मिलती है, रोजाना घर के आगे परेशानी होती है, झंझट होते खड़े होते कि हमें किसी तरह से पैसा दिलाओ, हमने आपके माध्यम से दिया पैसा, तो क्या करूँ सर, आप ही सुझाव दें सर। हाँ सर, और मेरे खुद के निजी पैसे भी लगे हुए हैं सर, सारे मेरे 13 लाख लगे हैं सर, बाकी परिवार के और पहचान वालों के और सबके हैं सर, 3 करोड़ है सर। पिताजी किडनी से रिटायर्ड हुए हैं, मेरे पूरे परिवार का 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपये जमा है, इसलिए जमा किए थे मेरे बच्चों की, दो बच्चे हैं पालोत्रा से, मेरे बच्चे दो शादी हो जाती करीब 1.25 करोड़ मेरे से पूरे परिवार के, 2.25 करोड़ पूरे मेरे परिवार के, बाकी मेरे दोस्तों के, मेरे रिश्तेदारों के सबके भी 2-3 करोड़ और है। सबसे रिश्तेदारी मेरी खराब हो रखी है, मैंने इसलिए पैसे जमा करवाते, बच्चों की शादी आराम से हो जाएगी, मेरे 2 बच्चे मेरे, 2 मेरे भाई के बच्चे थे, इसलिए पैसे जमा करवाते, आज पैसे नहीं आ रहे तो बहुत परेशान। हमारे पिताजी भी 82 हो गई, वो रिटायर हो चुके हैं, माता जी भी 80 उम्र की है, पैसे के लिए हम परेशान बहुत है, और सबसे घर में भी रिश्तेदारी मतलब खराब हो गया पैसे के लिए, सब ने गलत पैसा इसमें क्यों डाला, सब डांटते हैं मेरे को, बहुत परेशान हो गया जी। आप उसको आप लाख की पहले FD कराई थी जो 23 में पकने वाली थी, उसके बाद धीरे धीरे ये रिवाज होती हुई करीब 45 लाख पर पहुंच गई है। बस्सी ब्रांच का लेन देन जो था उस समय, जिस समय बंद हुई थी, वो करीब 9 करोड़ की थी। अब तो हम बिल्कुल टूट चुके हैं, हमने तो बिल्कुल आशा ही छोड़ दी है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हम तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन ही कर सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम सभी का मार्गदर्शन हो सके, हम सबको राहत मिल सके, जैसे भी राहत मिल सके वैसा उपाय करें। धन्यवाद। लाख की पहले FD कराई थी जो 23 में पकने वाली थी, उसके बाद धीरे धीरे ये रिवाज होती हुई करीब 45 लाख पर पहुंच गई है। बस्सी ब्रांच का लेन देन जो था उस समय, जिस समय बंद हुई थी, वो करीब 9 करोड़ की थी। अब तो हम बिल्कुल टूट चुके हैं, हमने तो बिल्कुल आशा ही छोड़ दी है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हम तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन ही कर सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम सभी का मार्गदर्शन हो सके, हम सबको राहत मिल सके, जैसे भी राहत मिल सके वैसा उपाय करें। धन्यवाद। एजेंट बन गया था मैं, रिटायर होने के बाद भी अब कुछ काम करना ही है, तो वहां से फिर मैं एजेंट बन के करीब इस संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, फिर 30 लाख रुपए मैंने इसमें मेरे परिवार के लोगों के मैंने इसमें जमा करवाए थे, और कुछ लोग अड़ोसी पड़ोसी के भी कुछ रुपए थे, तो अब वो सारे पैसे तो डूब ही गए मेरे, और अब मुझे पेंशन जरूर मिलती है उससे, जो मेरे रिश्तेदार, अब एजेंट किसके पास जाएगा वो एजेंसी पैसा लेने, जो इसके रिश्तेदार होंगे मित्र होंगे वही जमा कराएंगे, और तो कोई कराएगा नहीं, तो अब मेरा उनसे रिलेशन खराब नहीं हो, तो उन लोगों का मेरी जो पेंशन आती है तब से लेके आज तक मैं उस पेंशन को जोड़ के उनके पैसे में खुद चुका रहा हूँ, ताकि रिलेशन खराब नहीं हो मेरे उनसे, पैसे तो आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो रिलेशन तो कभी खराब नहीं हो मेरे, इस वजह से मैं अब पैसा उनको चुका रहा हूँ, अब मैं
भगवान की कसम खाता हूँ, मेरे पास एक भी न तो कोई एफडी किसी बैंक में, न मेरा कोई आरडी खाता है, न मेरे पास पेंशन आती है और मैं उन लोगों को चुकाने में दे देता हूँ। मुख्यमंत्री जी महोदय, आपको सादर प्रणाम। मैं मालपुरा से हूँ, विष्णु विजयवर की नाम है। मैं इसके अंदर एजेंट था और मालपुरा की जनता का 5 करोड़ रुपए जमा है और मेरे परिवार का 54 लाख रुपए, मेरी बुआ का, बहन का और मेरा। और नहीं पैसा नहीं आ रही है वजह से बहन के और बुआ के रिश्तों में भी हमारे दरारें हो गई है और मकान का काम भी अधूरा है जो अभी तक हो नहीं पाया पूरा। आज भी मकान की छत बारिश के अंदर छूटी है और परिवार, रिश्तेदार और समाज में कहीं आने जाने लायक नहीं रहे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हमें ये पैसा कैसे भी एन पे एन प्रकार दिला दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। बेरोजगार होने की वजह से किसी ने मुझे लगवा दिया और लगभग कई लोगों के पैसे इसमें फंस चुके हैं। अब रोज आज रात दिन लोग मुझे परेशान करते हैं, धमकियां तक देते हैं, मेरा जीना हराम कर रखा। घर के पैसे थे 30-40 लाख रुपए, वो भी मैंने लगा दुखे। और 80+ की माँ है, रोज़ परेशान होती, रोज़ पूछती बेटा पैसे कब आएंगे, क्या करेगा तू, कहीं चला जा या कुछ कुछ हो जाएगा तुझे, ये लोग मार देंगे। सर आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ इन सभी पीड़ित लोगों की आप पुकार सुने और लोगों का सर कुछ करें ताकि हम पीड़ित लोगों का पैसा आ सके। मैं रात दिन टेंशन में रहता हूँ और मदर भी बीमार है, कुछ भी हो सकता सर। धन्यवाद। मेरा ये निवेदन है सर कि मैं एजेंट हूँ, मेरा पैसा 2 करोड़ रुपए जो मेरा घर का है मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और कमा लूँगा। पर मेरे से जो मेरे हाथों से जो मेरे निवेश किया है लोगों का पैसा, जो छोटे छोटे ठेले वाले थे, सब्जी वाले, मैं एजेंट था, हाँ, मेरे घर के 2 करोड़ है पर्सनल और निवेश मैंने 3 करोड़ रुपये अदर लोगों ही करे हुए हैं। आए दिन ये धमकियाँ मिलती हैं हमें कि तुम्हें मार दिया जाएगा, जिन्होंने पैसा दिया मार दिया जाएगा तुमको, या फिर तुम्हारे पर झूठा मुकदमा कर दिया जाएगा। पिछले कुछ टाइम 4 या 5 महीने पहले मेरे ऊपर किसी एक लेडीज़ ने ऐसे झूठा मुकदमा किया। मैंने वर्मा जी को भी इन्फॉर्म किया था उसके लिए कि मतलब मैं सड़क से जा रही थी तो उसने मेरे साथ मतलब रेपिस्ट जैसा कुछ कर दिया। फिर जब ये चीज़ आती है तो प्रशासन हैवी होता है और प्रशासन में ये प्रॉब्लम आती है सर कि जब उनके ऊपर नेता लोगों का दबाव आ जाता है वो हमारी नहीं सुनते उस टाइम, उनका दबाव आने के बाद वो उन्हीं की सुनेंगे और फिर वो हमें दबाया जाता है कि तुम कैसे भी करके पैसा दो उनको। और उस टाइम मुझे कुछ ना कुछ उनको देना पड़ा जब मेरे पास नहीं था। बाईस लाख है सर मेरे, शादी के लिए डाले थे, माँ बाप का बुढ़ापे के लिए डाले थे और किराए का मकान है, कुछ अनी सोच है नहीं सर। शादी होने वाली थी सर 2019 में, पैसे डूब गए। माता जी का इलाज करवाना था पर पैसे मिले नहीं तो उनका देहांत हो गया। और सर ये था हाल घर पे कि कोई भाई भी नहीं था तो उनके फूल डाले जाने के लिए भी हैदराबाद में कोई नहीं था। मैं और मेरी बहन जाकर आए शमशान घाट में, उनका अंतिम संस्कार करके आए हम दोनों बहनें कि अभियुक्त है इसमें शामिल है, घोटालेबाज मतलब है ये, और हमें पैसा वापस दिलवाया जाए। राजेंद्र उपाध्याय मेरा नाम है और मैं अध्यापक पद से रिटायर हुआ हूँ। मेरे को 40 लाख रुपए मिले, वो 40 लाख रुपए मैंने जमा करा दिए, वो सब डूब गए सर। इसका आपसे निवेदन है कि सभी की बड़ा, मैंने 4-5 साल हो गए और 16 में रिटायर हुआ जनवरी को, में जो पैसा मिला सर जमा करा दिया था 40 लाख रुपए। दो तीन बहन अंधी जो वाणक चौक में रहती है, जो मतलब ओटीपी के बना के अपने पैसे जमा कर रहे थे 1-1 लाख रुपए, तो अब वो भी कह रही है हमारे पैसे चाहिए, उन गरीब आदमी को कैसे हाई लगे बताओ, तो आप मेरे कैसे की करके आप उनके पैसे दिलाओ। बस आपसे यही निवेदन है। 20 लाख रुपए हैं टोटली और मेरे पापा के 7 लाख रुपए मैंने जमा करे, उनके खून पसीने की कमाई के हैं, भट्टी पे बैठ के काम करते हैं, उनके पैसे नहीं है। जब भी जाती हूँ कि मेरे कैसे फंसा दिए पैसे, अब बताओ क्या कर सकती हूँ, बताओ आप कैसे भी करके पैसे दिलाने की कोशिश करो हमारे को, जितने भी निवेशक आए हैं। और आपसे निवेदन है आपको, एवं सम्मानित मेरे सभी बड़े भाई, मेरा ने करीब 2.5 करोड़ रुपये जमा है आज ही, मेरे और मेरे परिवार के फूले मिला। मेरा नाम पार्समल जैन है और मैं माँ मंदिर जोधपुर से आता हूँ, तो मैं करीब आपसे 4 से 5 बार मिल चुका हूँ।
तीन बार तो जयपुर में, दो बार जोधपुर में, 2.5 करोड़ रुपये जमा है। मेरा बच्चा एक ही है, वो भी विकलांग है, और मेरी बेबी पैसे नहीं होने की वजह से आज वो पागल हो गई है, और मेरी उम्र 65 ईयर्स हो गई है, पता नहीं मेरा क्या होगा। अपने आपसे मेरा आज जोड़ के गर्व निवेदन है, मेरी सहायता कर दीजिए, नहीं तो परमात्मा जाने। और ने मुझे बताया कि इस तरह से पैसे हमारे खा गए हैं। आदरणीय प्रेम सिंह जी पादरू के हैं, ये रिश्तेदार भी जब ऐसे हैं मेरे, इन्होंने भी बात बताई कि इस तरह के घोटाले कर दिए। तो दुख भी हो रहा है कि लगभग इसमें 80 से 90% किसान होंगे, और किसानों का दर्द मुझे समझ में आता है, किसानों का दर्द, क्योंकि किसानों के बीच में हमेशा मैं काम करता हूँ कि किसान कितनी मुश्किल से पैसा बचाता है और उस पैसे को अपने डबल हो जाएगा, कुछ इसमें और होगा पैसा, इस तरह से करके उसमें इन्वेस्टमेंट किया। और इतने बड़े आदमी जो आज भारत सरकार के मंत्री हैं, हम तो खूब खुश हुए थे जब मंत्री बनाया गया कि हमारे जोधपुर संभाग के जल शक्ति मंत्री हुए, और ये अब हमारा काम सभी काम होगा। लेकिन इस तरह की हरकतें करके हमें दुख हो रहा है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इन सभी की तरफ से कि ये पीड़ा आप किसानों की समझकर, इन पीड़ितों की समझकर, और कुछ राहत प्रदान कराएं। धन्यवाद। सम्माननीय यशस्वी सीएम साहब से दूसरी बार मिल रही हूँ, मेरे मन में इतनी उथल पुथल मची हुई है, यह सोच रही हूँ कि क्या लोकतंत्र में जन नागरिक इतना सुरक्षित नहीं है, पैसा इन्वेस्ट कौन नहीं करवाता। इन्होंने जो कहा वह कभी इन्होंने मैच्योरिटी में नहीं दिया। मैं भी शिक्षा संकुल में सहायक निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुई, मुझे जो राशि मिली वह मैंने MIS में करवाई 10 लाख और कुछ स्कीम में करवाई, और मुझे ये कहा गया, एक उस समय एक व्यक्ति हुआ करते थे मनोहर सिंह भाटी थे, या पता नहीं कोई नाम था उनका, वो कहते थे कि मेरे हस्बैंड के पास आते थे, आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय अच्छी तरह, वो कहते थे तू जहाँ इन्वेस्ट करा रही है उसमें तो मंत्री जी का हाथ है, तेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ये बहुत सुरक्षित जगह जा रहे हैं, और इसमें तो गजेंद्र सिंह जी का हाथ है। तो मैं यूँ कहती कि भाई मैं किसी को नहीं दूंगी, मुझे कोई ज़मीन दिलवा दीजिए या कोई फार्म हाउस। तो बोले बोले एक बार तो इसके साल डेढ़ साल के लिए MIS करते हैं, थोड़ा मकान ठीक करवाएंगे, उसके बाद अपन देखते हैं। उसके बाद हमारे को कोई पैसा नहीं मिला। मैं एक बार मैच्योरिटी के लिए झोटवाड़ा की शाखा में गई थी, तो मुझे ये कहा गया कि मैडम आपको आप री इन्वेस्ट करवा दीजिए और 2.5 साल बाद इतना देंगे। मैंने कहा कि ये जो पैसा इन्वेस्ट तो होता है 10-11% में, आप हमें कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे रहे, पर हमें आवश्यकता है। परंतु उसे उस दिन मुझे 3 लाख मिलने थे, वो मुझे पैसे नहीं मिले, और वहाँ के जो जितने भी कर्मचारी हैं, मैं आप कहें तो नाम दे सकती हूँ, परंतु मैं इस चीज़ को इतना तूल नहीं देना चाहती। मुझे मन में ये संतुष्टि है कि कम से कम हमारे CM साहब ने इतनी सहृदयता से बात सुनी है और इस चीज को गहराई से हमारी पीड़ा को जाना है। मैं इतनी कृतज्ञ हूँ, इतने जितने जितने भी संजीवनी पीड़ित के हमारे ये पूजनीय बैठे हैं, मैं उनकी तरफ से हार्दिक आपकी दुआएं देती हूँ कि आप इस कार्य को जरूर पूरा करेंगे सर, बिल्कुल पूरा करेंगे। जो तथ्य आपको दिए गए हैं बिल्कुल झूठ नहीं है, प्रामाणिक है, हम सबके पास है। एक एक मेरे 25 लाख रुपए, और उसी टाइम तो मैंने करवाया। फिर बोले कि आपके इसमें जो पासबुक में है 56,000 के, उसमें वो भी उन्होंने ले लिए, बोले इसमें आपको 8% मिलेंगे। तो मैंने सोचा चल 2-3 महीनों के लिए पड़े हैं तो आप इसमें डाल देते हैं। कुल मिला के मेरी पासबुक भी खाली है और वो बॉन्ड मेरे हवा खा रहे, मैंने लाल कपड़े में नीचे सफेद शायद झुक गए। इथोपिया में जो इन्होंने खेती की, वह कितने पैसे की खेती की, कितने का माल उन्होंने बेचा और यहाँ कितने ट्रांसफर हुए, ये जांच का विषय है।
अब मान लो इथियोपिया में उनके 1 लाख के कड़े हुए और उन्होंने 1 करोड़ के बता दिए, तो वो जो पैसा वहां से आया है, पैसा यहां से गया फिर पैसा आया है, उसकी जांच कौन करेगा? ये हमें तो ध्यान है नहीं, उस इस पॉइंट को भी नोट करवाओ। और दूसरा, अब क्या है कि केंद्र सरकार ने बिल्ली को ही दूध की रखवाली बैठा दिया है, तो हमारे पास में उसका भी इलाज है नहीं। वो बाढ़ खुद खेत को खा रही है, जिस संगठन के 80% लोगों के पैसे संजीवनी में थे, वो भी बेचारे शर्म के मारे यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। तो आप से निवेदन है कि ये आपके गृह जिले का भी मामला ज्यादा है, वहां पे भी लोग पीड़ित हैं, कुछ लोग आज इस संसार को छोड़ के चले गए, कुछ बुजुर्ग हैं, उन सब के पैसे करोड़ों रुपए पड़े हैं। तो हमारा निवेदन है कि आप शीघ्र से शीघ्र इसका कोई निस्तारण करावें। धन्यवाद।